ये है समाज कल्याण अधिकारी जिन्हें उन्हीं के ऑफिस में बंधक बना लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला है यूपी के फतेहपुर जिले का, जहां समाज कल्याण अधिकारी को ऑफिस में तैनात बाबू ने ऑफिस के अंदर बंधक बना लिया और अधिकारी के साथ जमकर अभद्रता की। यही नहीं, ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम और अन्य अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद इस मामले को कैसे तैसे शांत कराया। समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक ऑफिस में तैनात बाबू बिल बाउचर पर साइन करने का दबाव बना रहा था, लेकिन उनके द्वारा साइन ना करे जाने पर उन्हें ऑफिस में बंद करके उनके साथ अभद्रता की गई और उनके ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ तक की गई। और क्या कुछ कहना है समाज कल्याण अधिकारी का, आप भी सुनिए। मामला कुछ नहीं था। आज सुबह जिलाधिकारी महोदया मैम ने 11 बजे एक विधवा पेंशन के आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में जूम मीटिंग रखी थी, तो मैं 10 बजे कार्यालय आकर के मैं मीटिंग कर रहा था। मीटिंग जैसे ही मेरी ख़त्म हुई वैसे ही तुरंत मेरी ऑफिस में आए, आकर के इन्होंने तुरंत गेट बंद किया। मैंने कहा अकाउंटेंट साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तुरंत बोले आप तुझे समझा दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो आप गलत व्यवहार कर रहे हैं कि आप कि तुमने हमारा गलत व्यवहार देखा नहीं है, अब तुमको समझ में आ जाएगा कि हमारा गलत व्यवहार क्या है। आकर इन्होंने तुरंत कुर्सी उर्सी उठा के फेंकना शुरू कर दी और अलमीरा डाल करके ये सब बिल वाउचर सब उठा के ले आए कि बोले आज तुझे ये सब साइन करने ही पड़ेंगे तभी तू निकलेगा इस ऑफिस से। तो मैंने कहा थोड़ा सही तमीज से तो बात करिए, सभ्यता से तो बात करिए कि अब सभ्यता तो हम ख़त्म करते हैं, हम सभ्यता हमको आती नहीं है और हम इसी तरीके से ही बात करेंगे। मुझे करना है तो करना पड़ेगा। तो बहुत बदतमीजी की, फ़ोन मेरे दोनों छीन लिए और फिर बोले कि अब तू चाहे CTO से फ़ोन कर ले, DM से फ़ोन कर ले, किसी से भी फ़ोन कर ले, और चाहे पुलिस अधीक्षक को बुला ले, किसी को बुला ले, हम नहीं निकलने देंगे और अब तो साइन करने ही पड़ेंगे, अच्छा कुछ भी हो जाए। तोड़फोड़ भी की? हाँ, तोड़फोड़ कुर्सी उर्सी उठा के फेंकना शुरू कर दी इन्होंने। ये रखा था ऊपर से उठा के नीचे फेंका। तो मैं समझा रहा था, मैंने बता रहा था, मैंने अब तो मेरे साथ मारपीट करना चाह रहे हैं क्या कि ये तो हम बहुत इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं और ये तो हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है। ऐसा क्यों कर रहे थे ये मुझे नहीं पता है, इनके क्या इनके मन में आया है, क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ में आया। जी जी, आप पे आरोप लगा रहे हैं 15-20 दिनों से आप टहला रहे हैं, साइन नहीं कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मांग की बात तो मैं आपको बताऊं कि जो भी जैसे बिल होते हैं सबसे पहले हम साइन करते हैं, उसके बाद ही टोकन जनरेट होता है। तो इनके 3-4 बिल थे तो साइन के लिए इन्होंने कल लेकर के आए थे। तो कल क्या था कि मीटिंग थी, कल वो मीटिंग की बैठक थी जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में। तो मैंने कहा अकाउंटेंट साहब मैं अभी बैठक करा के आ रहा हूँ, उसके बाद आप बिल लेकर गए तो मैं साइन करूँगा। उसके बाद मैं बैठक करा के आ गया 4 बजे। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने आप कहाँ आएँ, तो ये 4 बजे कार्यालय छोड़ के चले गए थे यहाँ से। तो मैंने कहा आप इस तरीके से इतनी जल्दी क्यों कार्यालय छोड़ के चले गए? तो उन्होंने तुरंत मेरे फ़ोन पर ही अभद्रवासा बात की कि हम तो ऐसे ही छोड़ के जाएंगे, जिसको जो करना हो कर लें। उच्च अधिकारियों से शिकायत की आपने? मैंने कभी इनके कल से ही इनका व्यवहार इस तरीके से देखा, तो मैंने कुछ स्पष्टीकरण टाइप करा रहा था, मैंने आपको स्पष्टीकरण दूंगा और स्पष्टीकरण का जवाब दीजिएगा। इससे पहले ही आते आते स्वयं इस तरीके से उन्होंने बदतमीजी से बात करना, अभद्र भाषा में कुछ इमेज टेबल फेंकना। इन्होंने बिल किस चीज़ का साइन कराने के लिए दबाव बनाए थे? बिल मैंने देख बिल अभी मेरे सामने लेके आए थे, तो मैं देखता तब उनको साइन करता। ये चाहते हैं कि हमेशा इनका यही रहता है कि हम बिल लेके आए, देखिए मत, तुरंत साइन कर दीजिए। क्या नाम है, किस पत्ते हैं? मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हूँ। दरअसल समाज कल्याण ऑफिस में तैनात बाबू राजू सोनकर ने समाज कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार को ऑफिस में घुसकर उन्हें बंधक बना लिया और बिल बाउचर पर साइन करने के लिए जबरदस्ती उन पर दबाव बनाने लगा। यही नहीं, साइन न करने पर अधिकारी के साथ अभद्रता की गई और ऑफिस के अंदर पड़ी कुर्सियों को फेंक दिया गया। मामला बढ़ते देख सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं इस दौरान बाबू ने समाज कल्याण अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों से वो बिल बाउचर को लेकर अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन अधिकारी द्वारा बिल बाउचर पर साइन नहीं किया जाता, जिससे परेशान होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। वहीं एसडीएम ने समाज कल्याण अधिकारी और बाबू से बातचीत करते हुए मामले को शांत कराया। फतेहपुर से भीम शंकर की रिपोर्ट।